हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश और आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 रुपए वाले अकाउंट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, 20 रुपए वाले अकाउंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आप मुझे बताइए दोस्तों कि अगर मैं कहीं पर भी किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए अगर जा रहा हूँ तो क्या मैं 20 रुपए में यहाँ पर जो है खाता खुलवा सकता हूँ? तो आपका जवाब बस यही होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी बैंक में अगर मुझे अकाउंट खुलवाना है दोस्तों, तो यहाँ पर कम से कम मुझे 500 रुपये लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा जो है अकाउंट यहाँ पर खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मात्र 20 रुपये में जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये 20 रुपये वाला फंडा क्या है। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में कहीं पर भी स्किप ना करें दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, हो सकता है अगर आपने स्किप कर दिया तो आप जो है उस जानकारी को ठीक ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि ये आपके ही फायदे की बात है। कि आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि यहाँ पर 20 रुपये मात्र में जो है अकाउंट खुलने वाला है। और आपसे मैंने पूछा भी था कि क्या मैं बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ 20 रुपये में, तो जवाब सीधा सीधा ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बैंक में जो है 20 रुपये में खाता नहीं खुलता है। हालांकि दोस्तों, कभी कभी स्कीम आ जाती है किसी भी बैंक से कि 0 रुपये में जो है आप खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसे स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप हमेशा जो है कभी भी आप जाते हो तो आपको जो है 20 रुपये में खाता खोलने की सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप खाता खुलवाने जाओगे तो यहाँ पर दो टाइप्स के आप अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 500 रुपये में भी आप जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप 500 रुपये देकर जो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से भी अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। और अगर आप 20 रुपए से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 20 रुपए से भी अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसकी फैसिलिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी हम यहां पर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 20 रुपए से खाता खुलवाते हैं तो आपको ना तो यहां पर ATM प्रोवाइड किया जाएगा और ना ही यहां पर चेकबुक की जो है सुविधा मिलेगी। हालांकि दोस्तों, अगर आप 500 रुपए वाला जो अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कम से कम 500 रुपए भर के जो अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों, तो आपको उसमें ATM की फैसिलिटी के साथ साथ चेकबुक की फैसिलिटी भी जो है मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। आप यही बोल रहे होंगे कि यार खुलवाना कहाँ है, तो खुलवाना कहाँ है मैं ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले आप जान ले इसके बारे में जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो क्लियर होगी कि आपको 20 रुपये में क्या फैसिलिटी मिल जाती है और 500 रुपये में क्या फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर हम दूसरी फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो कि नाबालिग है, यानी जो कि 18 साल से कम वाले बच्चे होंगे, उनके भी जो है खाता दोस्तों यहाँ पर खुल जाएगा। और उसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पर और एक आपको एक अच्छी सी स्कीम मिल जाती है, अच्छा सा एक यहाँ पर जो है फ़ायदा मिल जाता है, वो ये है दोस्तों कि आपको जो भी रकम होगी आपकी और उसके पर जो भी आपका बैच होता है, तो यहाँ पर 10,000 तक के बैच पे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से जो है वो टैक्स नहीं लगने वाला है। यहाँ से जो है टैक्स फ्री हो जाएगा ये, तो ये एक अच्छा यहाँ पर आपको जो है फायदा मिलने वाला है। और अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए और यहाँ पर मिनिमम बैलेंस क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि अगर आप 500 रुपये से कोई भी बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो है मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में रखना होता है। क्योंकि यहाँ पर चेकबुक और ATM की सुविधा होने की वजह से मिनिमम बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में 500 रुपये होना ज़रूरी होता है। और लेकिन यहाँ पर जो अगर बात करें 20 रुपये वाला अकाउंट, अगर आप 20 रुपये वाला अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों, इसमें जो मिनिमम बैलेंस है जो कि आपको रखना पड़ेगा वो है 50 रुपये मात्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये मात्र में जो है आप आपका मिनिमम बैलेंस रखें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर आपके अकाउंट में अगर 50 रुपये भी है तो आपका अकाउंट यहाँ पर जो है चलते रहेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर इसे एक्टिवेट रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ट्रांजेक्शन कितना करोगे तो आपको जो है अकाउंट आपका एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर 3 साल में कम से कम दोस्तों आपको 3 साल में एक बार तो आपके अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा, अदरवाइज दोस्तों ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर 3 साल में एक बार ज़रूर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और कोई भी इंसान 3 साल में एक बार तो ज़रूर यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन करेगा ही। तो ये बात होगी दोस्तों यहाँ पर किस तरह के अकाउंट्स है और यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ क्या मिलती है और किस में कम फैसिलिटी जो है मिलती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये आप कहाँ खुलवा सकते हैं और किस बैंक में खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये आप नज़दीकी आपके पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है खाता खुलवा सकते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस में जाकर आप आसानी से जो है खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर ज़रूर इसके बारे में जानकारी ले लें। और इसी के साथ में अगर आप इसे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर के आपके जो अकाउंट को जो खुलवा सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे बहुत से मजदूर भी होंगे जो रोज कमाते होंगे और रोज खाते होंगे, और उनके लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि 500 रुपये देकर जो है अकाउंट खुलवा ले। हो सकता है दोस्तों इस वजह से भी जो है उन लोगों के अकाउंट नहीं खुले। हालांकि इसके पहले दोस्तों यहाँ पर स्कीम लागू हो गई थी जनधन योजना, जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर अकाउंट खुलवाए गए थे। हालांकि दोस्तों बहुत से लोगों के जो अकाउंट है यहाँ पर जनधन योजना में खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जिनके अकाउंट यहाँ पर नहीं खुले हैं या जो अकाउंट नहीं खोल पाए हैं दोस्तों, वो मिनिमम 20 रुपये देकर जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप किसी की हेल्प कर सके या किसी को गाइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसी टॉपिक को लेकर दोस्तों किसी को गाइड ज़रूर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो कि पैसा नहीं कमा सकता है ज़्यादा, जो कि मजदूर है या कम पैसा है उसके पास में, लेकिन उसके पास अकाउंट भी नहीं है, तो आप ज़रूर उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं, आप ज़रूर उसको गाइड जो है कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उनका भी हक है अपने पैसे जमा करने का, और उस पैसे से हो सकता है आगे आने वाले समय में उन पर कोई भी अड़चन अगर आती है तो उन पैसों से वो कुछ कर सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता यही है कि हम मिनिमम बैलेंस की बात करें, किसी भी बैंक में अगर जाता हूँ तो 500 रुपये से कम में अकाउंट नहीं खुलता है, और शायद इसी वजह से जो मजदूर है वो अपना पैसा जो है यहाँ पर सेविंग नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये स्कीम स्पेशली इसलिए भी अच्छी लगी कि यहाँ पर कम से कम 20 रुपये में खाता खुल रहा है और मिनिमम बैलेंस 50 होना चाहिए। तो ये आम मतलब जो मजदूर होगा जो कि रोज़ कमाता है रोज़ खाता है दोस्तों, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज़रूर किसी को फ़ायदा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में जो बेल आइकॉन है ना दोस्तों वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।